नमामि श्री मातृ मीराराबिंद सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे अंशग्रहण करुवा सम्मानस्पद समस्त भाइपा गत रविवार प्रातः अधिवेशन रे आमे आलोचना करुले सावित्री महाकाव्य प्रथम पर्व दि बुक ऑफ बिगिनिंग्स तृतीय अध्याय दि योग ऑफ दि किंग दि योग ऑफ सोल्स रिलीज बसंत भाई सूचना देले आमे सेइटु प्रकृत रे कंटिन्यू करिवा। कहा जाउछि अश्वपतिंकर चेतना रे जेतेबेले का परिवर्तन होउछि उच्चतर शक्ति जेतेबेले तांकर मन प्राण और शरीर को अधिकार करि नउछि सेतेबेले तांक भितरे एक विपुल परिवर्तन परिलक्षित होउछि एवं नूतन करी तांकर सत्ता को गढ़ी तोलिबा पई एक विश्वकर्मा कस्मिक वर्कर कहा जाए सेट इज सिक्रेट हैंड द कस्मिक वर्कर सेट इज सिक्रेट हैंड टू टर्न दिस फ्रेल मॉड इंजिन टू हेवेन यूज। आम जो शरीर टी धारण करीचु यहाँ को कहा जाए फ्रेल मॉड इंजिन भंगुर माटीर ये जो जंत्र माटीर ये शरीर यह वर्तमान पर्यंत स्वर्गर उपयोगी हो पारिना अर्थात देव उपयोगी हो पारि ना तथापि आमे अज्ञानवशत प्रवृत्तिवशत अनिच्छा सत्वे निम्न कामना बासना द्वारा कवलित हो रहीचु एवं से माने आमर ए जड़पिंड टिकु मृण्मय शरीर बोली आमे कही पारिबे मृण्मय शरीर टिकु से माने तांक उपयोगी करी व्यवहार करी आसुछंती किंतु चेतनारे जितेबेले रूपांतर हुए महत्तर एक शक्तिर अवतरण फलरे सेतेबेले व्यक्ति सत्तारे एक परिवर्तन आमूलचूल रूपांतर परिलक्षित हुए सही मर्मरे ठारे कहा जाउछि द कस्मिक वर्कर सेट हिज सेक्रेट हैंड टू टर्न दिस फ्रेल मॉड इंजिन टू हेवेन यूज एवं रूपांतरित से शरीर से कौन हुए हेवेन यूज स्वर्गीय व्यवहार उपयोगी हो जाए से भाई गोटे कार्य आरंभ हो गला एक दिव्य उपस्थिति पश्चात रे थाई से अश्वपतिंकर सत्ता को दानवीय भार बहन करने सत्य जमी मजबूत करदे एवं रिफाइंड हाफ हुएन ब्लॉक्स ऑफ नेचुरल स्ट्रेंथ हाफ हुएन ब्लॉक आमे मन हाफ हुएन ब्लॉक जमी पथर टीए अर्ध खोदित पथर अमश्रुण एक पथर जहाँ वर्तमान पर्यंत एक देव प्रतिमा रे परिणत हो पारिना ताकू जब एक प्रस्तर शिल्पी तार निहाण मुगुर माड़े सजाड़ी दिए मार्जित करदिए तेबे से एक देवमूर्ति प्रस्तुत हुए ठीक सेमिति हाफ वेन ब्लॉक्स ऑफ नेचुरल स्ट्रेंथ इट बिल्ड्स हिज सोल इनटू ए स्टैट्यूट गॉड। अश्वपतिंकर आत्मा को एक देवमूर्ति से निर्मित करदे या परठु आम आलोचना करवा बुक वन दि बुक ऑफ बिगिनिंग्स केंटो थ्री दि योग ऑफ दि सोल्स दि योग ऑफ किंग्स रिलीज पेज 25 लाइन 6 ऑनवर्ड्स The craftsman of the magic staff of self, who labors at his high and difficult plan in the wide workshop of the wonderful world, modeled in what time his rhythmic parts. The craftsman, जोटा को हमें cosmic worker बोली कहा गला, ये जगह पुनः थरे ताकु शिरोबिंद वर्णना करुछंती दि क्राफ्ट्समैन कुशली कारीगर सीटी बड़ हरबरे अच्छी अर्थात से ही दिव्य कारीगर से कौन करुछंती मैजिक स्टॉप ऑफ सेल्फ जो भास्कर माने थांती स्कल्पटर माने कारीगर माने थांती से माने जी जो काम करंती मूर्ति गढ़ा के काठ जदि बढ़ेटीए से काठ व्यवहार करे पथुरियाटे पथर व्यवहार करे धातु कारीगर टे धातु को व्यवहार करे तो सीटा उपादान हुए
किंतु एठारे से विश्व कारीगर महान कारीगर चतुर शिल्पी दक्ष शिल्पी से कौन करुछंती उपादान भाव में कहाकु नौछंती सेल्फ आत्मसत्ता को नौछंती एंड दैट सेल्फ इज मैजिक सेल्फ मैजिक टॉप ऑफ सेल्फ से ही आत्मसत्तार एक जादुकरी उपादान रही मैजिक बोली कहे क्या होची कारण से सेल्फ को नहींकर जेकोसी कथा गठन करा जाई पारे द क्राफ्ट्समैन ऑफ द मैजिक टॉप ऑफ सेल्फ से होचंती आत्मार कारीगर एक सत्तार सत्ता को आत्मसत्ता को उपादान भाव ग्रहण करी से तांकर कारुशिल्प को आगे नौचंती गठन करुछंती केमिति हु लेबर्स एट हिज हाई एंड डिफिकल्ट प्लान से सत्तार जादुकारी उपादान जे कारुशिल्पी से ही उपादान को नहीं तांकर समुच्च तथा अत्यंत कठिन योजनाटी को संभव करने परिश्रम करुछंती हु लेबर्स एट हिज हाई एंड डिफिकल्ट प्लान एवं कारखानाटी कौटा इन द व्हाइट वर्कशॉप ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड ए विस्मय भरा जगत ताहा एक विशाल कर्मशाला रे बा कारखाना रे परिणत अछि परिणत होई छि अर्थात ए विस्मय भरा विशाल जगतर कारखाना भितरे से दिव्य कारुशिल्पी जादुकरी सत्तार जादुकरी उपादान को नहीं कठिन परिश्रम करी चालुछंती तांकर समुच्च अथच कठिन योजना को संपूर्ण करिवा पाई एक चरम रूप प्रदान करिवा पाई इन द व्हाइट वर्कशॉप ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड मॉडल्ड इन व्हाट टाइम हिज रिदमिक पार्ट्स हिज माने जगर अश्वपति अश्वपति सत्ता सकल को छंदबद्ध करिवा पाई एवं अश्वपति को गोटे मॉडल भाव में मॉडल केत व्यवहार करा जाए जितेबाला कौन से गोटे जिनस या चेष्टा करा जाए से गोटे मॉडल रखा जाए तो जो अतिमानव जाति बा अतिमानव जुग आसीब से अतिमानव जुगर आगमनी सकाशे एक मॉडल्ड भाव में गढ़ुंट एवं रिदमिक छंदबद्ध अर्थात मन प्राण शरीर और चैत्य सत्ता ए सत्ता सकल भितर एक छंदबद्ध प्रयास एक छंदबद्ध बा सुसमन्वय संगति र से भली भाव अत्यंत कठिन परिश्रम करी तांकर समुच्च अथच कठिन योजना को सफल रूप देवाई विश्व कारीगर जादुकारी सत्तार जादुकारी उपादान को नहीं कठिन परिश्रम करी चली छंती एवं अश्वपति सत्ता सकल को गठन करने प्रयास आरंभ कर दे छंती परिणाम रे कौन होची देन केम द एब्रप्ट ट्रांसेंडेंट मिराकल एब्रप्ट माने तत्क्षणात काम करू करू तापरे आसी उपनीत हो जाऊँगी आकस्मिक भाव कौन ट्रांसेंडेंट मिराकल एक विश्वातीत अलौकिकता एक विश्वातीत विस्मय आसी उपस्थित होगा अर्थात एक विस्मयकर घटना घटी जाऊँगी बा एक विस्मयकर रूप से ही सत्ता ग्रहण करुची दि मार्क्स मार्क्स इमाकुलेट Grandeur could outline at trivial in the occult womb of life his dreamt magnificence of things to be dreamt magnificence of things to be that cosmic worker that craftsman ananta se srashta boli ame kahi pariba stankara bismay bhara ek swapna rahichi जहाँ को से एठारे संरचना करने चाहती से सकाशे से परिश्रम करुंट केमी दि मार्क्स इमाकुलेट ग्रेंडियोर कुड आउटलाइन मार्क्स मुखावरण भितर मुखावरित इमाकुलेट माने विशुद्ध एक्सट्रीमली प्योर एब्सल्यूटली प्योर से परम विशुद्ध मुखावरण धारी से सत्ता ग्रैंडियोर महिमामय जो परिश्रम करुछंती महिमामय सत्ता महिमामय कर्मी से गोटे आउटलाइन बा प्रथमे एक रेखा अंकन करदेले से दिव्य सत्ता गठन करने
ट्रावेल इन द अकल्ट ओम ऑफ लाइफ कोठारे से रेखांकन होचि इन द अकल्ट ओम ऑफ लाइफ प्राणर एक जो मरमी कह अतिंद्रिय अकल्ट गुह गर्भरे ए जगह ट्रावेल माने कठिन जंत्रणा जोटा नारी टे भोग करे प्रसव पूर्वर ताकू प्रसव वेदना बोली कह जाए तो सते जमी प्रसव वेदना भोग करने सकाशे प्राणर से अतिंद्रिय गर्भरे से आंकी दौंती रेखांकित करुंट नवरूप देवाई हिज क्या ना हिज ड्रेम्ड मैग्निफिसेंस ऑफ थिंग्स टू बी भविष्य जहाँ सब उन्नत स्वरूप एठारे आविर्भूत होगा जाऊँगी तार एक स्वप्नदृष्ट जहाँ से देखी स्वप्न जे एमती एक जगत हेब एमती एक दिव्य मानव हेब एमती एक अति मानव हेब तार से रेखा चित्र अंकन करदे प्राणर से रहस्यमय गर्भ भितर तीव्र जंत्रणा भोग करी ए क्राउन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड्स ए मिस्ट्री ऑफ मेरिट अर्थ एंड हेवन एनेक्स्ट डिविनिटी टू द मोटाल स्कीम यह सब पुणी थे आम को एक परिणति आड़ इंगित कर श्रीअरविंद ए क्राउन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड्स आर्किटेक्चर ए समग्र विश्व जगतर जी स्थापत्य रही तार एक चरम पाराकाष्ठा मौड़मणि क्राउनटा आम क्राउन कहले साधारण मुकुट बोली कहू एवं मुकुटा सबुठ शीर्ष थाए तेणु विश्वर स्थापत्य सकलर एक चरम पाराकाष्ठ को सेठारे रूप देवा जामी ना ए मिस्ट्री ऑफ मेरिट अर्थ एंड हेवन से पाराकाष्ठ से चरम पाराकाष्ठ से क्राउन टी केमी हे ए मिस्ट्री ऑफ मेरिट अर्थ एंड हेवन अर्थ भी बड़ हराब रे अच्छी हेवेन भी बड़ हराब अच्छी अर्थात स्वर्ग और पृथ्वीर एक परिणय सूत्र रे आबद्ध हो रही एक रहस्य अर्थात एठारे स्वर्ग एवं पृथ्वीर मिलन होउछि जोटा श्रीअरविंद जोगर आभिमुख्य अर्थ एंड हेवेन मस्ट बी इक्वल एंड वन अर्थ एंड हेवेन मस्ट बी इक्वल एंड वन पृथ्वी एवं स्वर्ग निश्चित भावरे एक एवं समान होइजबो मैटर शैल रिवील स्पिरिट स्पेस मैटर जड़े आत्मार चिन्मयंकर स्वरूप प्रकाशित हेब जड़ और आत्मार एक मिलन हेब ताकू एठार वर्णना करा जाउछि मिस्ट्री ऑफ मेरिट अर्थ एंड हेवेन धरा और स्वर्गर जो परिणय घटी विवाह घटी ता एक रहस्य स्वरूप एठा रही से ही रहस्य रु जन्म नौ कौन एनेक्स्ट डिविनिटी टू द मोटाल स्कीम से कौन करुच्ची एनेक्स्ट डिविनिटी टू द मोटाल स्कीम अर्थ रहा मोटाल स्कीम देयर इज ए मोटाल स्कीम अटैच टू द अर्थ एक नश्वर योजना रही पृथ्वी सहित जोड़ी कि रही दिव्यता रही वर्तमान पृथ्वी एवं स्वर्गर जो परिणय सूत्र बा परिणय होइछि परिणाम रे पार्थिव योजना दिव्य योजना सहित जोड़ी हो जाइछि अर्थात वर्तमान अश्वपति भितर पृथ्वी बा पार्थिव जीवन एवं स्वर्गीय जीवन रो एक समन्वय घटुछि ए सीयर वाज बॉर्न ए शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द मैरिज In between earth and heaven, because of that secret merit, mystery of merit earth and heaven, a seer was born, a seer, drashta, jahara drushti, atyanta swasta, duradrushti sampanna, sukma drushti sampanna, dibya drushti sampanna, tahaku ame seer boli kahi paribe, seer, drashta, je sabu kichi dekhi pare, bhavishyata ku dekhi pare, सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व को देखि पारे सूक्ष्म तथ्य को देखि पारे तथा दिव्य दृष्टि जे धारण करि पारि थाए से ताकु आमे का शेयर कहिबे वर्तमान अश्वपति भितरे से दिव्य द्रष्टांकर जन्म लाभ होउछि ए शेयर वाज बॉर्न
ए शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम। परिणाम एक द्रष्टा तथा महाकाल रे बाई कालखंड रे एक शाइनिंग गेस्ट ज्योतिर्मय अतिथि ज्योतिमान अतिथि जन्म हैला। पुणी आम मार्क करे जगार अशुपति को गेस्ट बोली कह जा ए गेस्ट इज नॉट ए परमानेंट इनहेबिटेंट। आगरु आम अध्यायर आगरु देखि सारी कहुए कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी हिज इज ए स्पिरिट दैट स्टूप्ड फ्रॉम ए लार्जर स्पीयर ए टेनांट बोली कह जा तो से दृष्टि में कहे से एक अतिथि स्वरूप एक दिव्य अतिथि स्वरूप एठारे आविर्भूत होती नवजन्म हो शियर वाज बॉर्न ए शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम। कहीं बिकज ऑफ द वर्क ऑफ द कॉस्मिक वर्कर से जो विश्वकर्मा से जो क्राफ्ट्समैन कुशली कारीगर अश्वपति सत्ता को सुसमंजस भाव में गढ़ी तोलिले तार परिणाम रे अश्वपति चेतन रे स्वर्ग एवं पृथ्वीर मिलन होउछि एवं एक दिव्य द्रष्टा भाव रे एक ज्योतिर्मय अतिथि भाव रे अश्वपति एठारे उपस्थित होउछन्ति आविर्भूत होउछन्ति परिणत होउछन्ति। तापरे अश्वपति चेतन रे घटिथिबा परिवर्तन सब को श्री अरविंद वर्णना करुछन्ति। फॉर हिम माइंड्स लिमिटिंग फर्मामेंट सीज्ड अबोव इन द ग्रिफिन फोर फ्रंट ऑफ द नाइट एंड डे ए गैप वाज रेंज इन द ऑल कंसीलिंग वॉल्ट द कॉन्शियस एंड्स ऑफ बीइंग वेंट रोलिंग बैक। फॉर हिम माइंड्स लिमिटिंग परमानेंट सीज्ड अबोव वर्तमान जेतेबेले एक द्रष्टा पुरुषंकर आविर्भाव घटिछे तांकर जीवन रे सेतेबेले मनर सकल सीमित जो परिसीमा रहिछि ताहा सत्य जेमिति आउ रहिला नाही। एपरिकि अबोव ऊर्ध्वमानसर सीमितता मध्ये रहिला आमे माइंड रो लेवल गुडाक जानिछु हायरार्की ऑफ माइंड कथा जानिछु मन मन परे हायर माइंड इल्यूमाइंड माइंड इंट्यूटिव माइंड ओवर माइंड सुपर माइंड उच्चतर मन कह जाऊ सिस्ट अबोव ऊर्ध्व मन मानस सीमा मध्य तांक पई आ रहिला नै। एवं आम साधारण मनुष्य मानकर जीवन स्वरूप कण आमे मनर परिसीमा भितर आबद्ध आमर मन वर्तमान पर्यंत अस्पष्ट अर्धालोकित अर्धज्ञात सकल को जानिबा ता पाखरे वर्तमान पर्यंत संभव हो पारि नाही। सकल रो अवधारण करि पारिबा ता पक्षरे वर्तमान पर्यंत सीमित संभव होई नाही। संपूर्ण ज्ञान रो आलोक मनचेतना को वर्तमान पर्यंत प्लावित करि नाही। ताकु श्रीरविंद विभिन्न जगह हाफ लिट माइंड बोली कहते इग्नोरांट माइंड बोली कहते लिमिटेड माइंड बोली कहते किंतु अश्वपति वर्तमान से मनर परिसीमा भितर आबद्ध रहिले नाही। तांकर चेतना मनचेतना को तांकर मनचेतनार परिसीमा को अतिक्रम करि जाउछि। फॉर हिम माइंड्स लिमिटिंग परमानेंट सीज्ड अबोव तांक पई सेई परिसीमा आबद्धकारी परिसीमा मनर आबद्धकारी परिसीमा आउ रो नाही ताहा अंतर्हित होई जाउछि। एवं से जगह वर्तमान एभली एक प्रांत में उपस्थित रहउछन्ति इन द ग्रिफिन फोर फ्रंट ऑफ द नाइट एंड डे रात्रि एवं दिवस गोटे सिंह सैन्य सैन्य द्वार देश बोली कह जा वर्तमान पुणी थे आम देखे एठार गोटे चित्रकल्प दिगला ग्रीक माइथोलोजी ग्रीक किंवदंतीर ग्रिफिन होची ग्रीक पुराण वर्णित एक विचित्र जीव
जहाँ रोच पक्ष एंड हेड्स अफ ईगल छंचाण बोली कहदे ईगल बोली कह आम बाजपक्षी भी जो कह बाजपक्षी पर रही डेणा रही दीर्घ को उठी जा भाई और तार चंचु मध्यम तार मुंडटे भी किंतु बड़ी अफ ए लायन यह ग्रीक माइथोलोजी रे ग्रीक पुराण रे यहा को वर्णना करा जाउछि ए जीवटी को कहा जाउछि द गॉड ऑफ नेसेसिटी आवश्यकतार देवतांकर रथ से होछि सारथी आमे जेमिति रथ घोड़ा जेमिति परिवहन करे घोड़ा चलाए रथ गुड़ी को तो से ग्रिफिन्स को कहा जाउछि ग्रिफिन ड्रीव द चैरियट ऑफ द गॉडेस ऑफ नेसेसिटी द गॉडेस ऑफ फेट नियतिर देवी बा आवश्यकतार देवींकर रथ को से परिवहन करी था बा से बाही नहीं था एवं आउ गोटे सिंबल होउछि जे उभय स्थल भागरे एवं नव भागरे से जातायत करी पारे तो सही भली एक तुलना देले डे एंड नाइट दिवस एवं आलोक ज्ञान अज्ञान यहाँ से मध्यवर्ती अवस्था रे से जगह जाकर पहुँची छंती अश्वपति वर्तमान पृथ्वी चेतना भी रही ऊर्ध्व चेतना मध्य तांको तार सीमार से वर्तमान पहुँची छंती इन द ग्रिफिन फोरफ्रंट ऑफ द नाइट एंड डे से जगह थाई अछंती किंतु घटना कौन घटुची ए गैप वाज रेंड रेंड माने विदीर्ण होगला खोली गला उन्मुक्त होगला एक फांक सृष्टि होगला कौटी इन द ऑल कंसलिंग कंसीलिंग वॉल्ट भल्ट हूँ एक छात्र मानते अर्धवृत्ताकार छात्र भल्ट आम कहू से जोठारे से भल्ट जब जीर्ण हो तार पश्चात सबकि लुचेक रखा जाल कनसिलिंग भल्ट सबकि ढांकी रखी से भल्ट्रे से छातटी वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार से छातटी कौन है आकाश को जो आम से ढांच बुझा एक छिद्र एक फांक सृष्टि होगा एवं सब किछि वर्तमान तांको दृश्यमान होउछि जे व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट वॉल्ट व्हिच वाज टिल नाउ बीइंग कंसील्ड बाय दैट वॉल्ट हिरण्मयेन पात्रेण सत्यम सत्यस्यपि हितम मुखम जोटा उपनिषद रे कहा जाउछि जे गोटे हिरण्मय पात्र रहिछि एवं ताको ढांकी कर रखिछि गोटे हिरण्मय ढांकुणी से ढांकुणी खुली गले सत्य उन्मुक्त होइ जेव परवर्ती किछि लाइन रे सेभलि कथा मध्ये वर्णना करा जाइछि वर्तमान सर्वच्छेदनकारी से छातरे एक फांक सृष्टि होउची हिंदी आम दरार बोली कहे एक छिद्र सृष्टि होउची फांक सृष्टि होउची द कॉन्शियस एंड्स ऑफ बीइंग वेंड रोलिंग बैक एवं आम देखिबे जे अश्वपति भितर जो कॉन्शियस एंड्स ऑफ बीइंग सत्तार जो सचेतन सीमांत मान थिला जे एज ए फिजिकल बीइंग एज एन अर्थली बीइंग एज एन मोटाल बीइंग यह सब वेंट रोलिंग बैक सत्य जमी किए ताको गोड़े करी पछ को फिंगी दला एवं तांका भितरे एक नवचेतना जाग्रत होउची सी नवचेतना कौन द लैंडमार्क्स ऑफ द लिटिल पर्सन फेल दिस आइलैंड ईगो जॉइंड इट्स कंटिनेंट वर्तमान ए विराट परिवर्तन रूपांतर जोटा अश्वपति जीवन में संभव होउछि मनर आबद्ध परिसीमा को जेतेबेले अतिक्रम करी से उड़ी जाइछ उठी जाइछंती जेतेबेले तांक भीतर एक द्रष्टा पुरुषंकर आविर्भाव होउछि सेतेबेले तांकर जो क्षुद्र मानुषी स्वरूप रहिछि से क्षुद्र मानुषी स्वरूप मानुषी चेतना दीर्ण हो जाऊँ तार आउ किसी चिन्हवर्ण रोना दि लैंडमार्क्स ऑफ द लिटिल पर्सन फेल वी आर लिटिल पर्सन इन कंपेरिजन टू द रियल पर्सन व्हाट वी वी आर आम व्यक्तित्वर एक द्विविध स्वरूप रही गोटी हैला असल स्वरूप एवं आउ गोटी हैला प्रतीत होउतबा स्वरूप एपारेंट नाउ एपारेंटली वी आर ह्यूमन बीइंग आमे प्रतीत होउचु मनीष भावरे सकल क्षुद्रता सकल सीमितता
सकल संकुचित स्वरूप आम एक मनीष भाव निजक चिन्हुचु दिस इज द एपारेन्ट किंतु वास्तव में आम हो चिदानंद रूपी परम ब्रह्म। बारंबार से गोटे कथा सब बेले मुझे स्मरण कर मनीष भितर यही एक भाव जो दिन सृष्टि हेब वास्तव सृष्टि हेब जे मु क्षुद्र मानवीय सत्ता नुह मुझे सच्चिद आनंद स्वरूप शिव मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब गुणधर्म पंच धातु जोड़ा पंच जो भूत कह सबुर गठित एक क्षुद्र मानवीय सत्ता केवल मु नुह असल अंतर बहन करी से महनीय सत्ता को अविनश्वर चिरंतन शाश्वत सत्ता को मोर स्वरूप होती सीए तापर मनीषर सबु सीमित संकीर्ण चेतना भांगिजीव यह निश्चित यही एक उपलब्धि यही गोटे एक एक स्थिति आसी पहुँची अश्वपति जीवन में कौन दि लैंडमार्क्स ऑफ द लिटिल पर्सन क्षुद्र एक व्यक्ति भाव में जहाँ सब चिन्ह स्वरूप रही है लैंडमार्क मान से चिन्ह स्वरूप लक्षण से सबु कड़े पतन हो जाए विलुप्त हो जाए दि आईलैंड इगो एवं इगो इगो हूँ गोटे आईलैंड गोटे क्षुद्र द्वीप मुझे अति एक क्षुद्र भाव दि आईलैंड इगो अहंग रूपी से द्वीपटी जॉइंट इट्स कंटिनेंट से तार असल कंटिनेंट भूसत्ता सहित बा तार व्यक्तिसत्ता सहित असल महादेश सहित तार जोग घटिगला समन्वय घटिगला आईलैंड गोटे विशाल भूखंड रु छिंडी आसी गोटे आईलैंड बर्तमान से आईलैंड जैक से कंटिनेंट सहित मिसी जा अर्थात अहंग्र विलुप्ति होची एवं अहंग्र विलुप्ति हेले परम चेतनारे तार मिलन घटुची किंतु श्रीरबिंदक जोग दर्शन में जहाँ आम को स्वतंत्र बोली कह जाए ताला मिलन घटुची निश्चित किंतु अहं बा से क्षुद्र सत्ताटी व्यक्तिटी विलीन हो जाऊना परमात्मा सहित विलीन हो जाऊ मिलन घटुची बंधुत्व घटुची एकाकार हो जा किंतु विलीन हो जाए ना विलीन हो गले से आम मुख्य मुक्ति निर्माण कहूँ मुख्य मुक्ति निर्माण किंतु श्रीबिंद जोगर आभिमुख्य नुह बर्तमान अहं चेतना पराचेतनारे रूपांतरित हो विश्वचेतनारे रूपांतरित हो दि लिटिल आईलैंड दि लिटिल आई दि आईलैंड इगो जॉइंट इट्स कंटिनेंट व्यक्ति चेतनार समस्त स्वरूप लक्षण पतन घटुची विलुप्ति घटुची अहंग्र मिश्रण घटुची तार असल सत्ता सहित अवर पास्ट वाज दिस वर्ल्ड ऑफ रिजिड लिमिटिंग फॉर्म्स लाइफ्स बैरियर्स ओपन्ड इनटू द अननोन केवल एति के कथा घटु नाही अवर पास्ट अतिक्रांत हो जाउछि बस अतिक्रम करि गले कोटा को दिस वर्ल्ड ऑफ रिजिड लिमिटिंग फॉर्म्स दिस वर्ल्ड ए जगत जो जगत रे आमे बास करूछु एहा हेउछि एक सीमा बद्ध रूपराजि रे एक जगत रूप सकल रे एक सीमा रहिछि लिमिटिंग रिजिड लिमिटिंग फॉर्म्स एवं से जो लिमिटिंग फॉर्म्स सीमाबद्धकारी जो स्वरूप रही अनमनीय इट इज नॉट प्लास्टिक इट इज लिजिट रिजिट किंतु अश्वपति वर्तमान अवर पास्ट वाज दिस वर्ल्ड यही कठिन कठोर सीमा आबद्धकारी रूप आज जगत को सी अतिक्रांत कर अतिक्रम कर परिशेषरे लाइफ्स बैरियर्स ओपन्ड इनटू द अननोन जीवन सकल प्रतिबंध लाइफ्स बैरियर जहाँ सब जीवन प्रतिबंध स्वरूप छिड़ा होइछि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि व्हिच हैज हाल्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द लाइफ केवल हाल्टेड नुह
बरंग गोटे प्रकार ताकु सर्कुलर मूवमेंट घूरे दौर से भितर लाइफ्स बैरियर्स से सब प्रतिबंधक ओपनड इनटू द अननोन 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 बड़ हरब रे कहि से अज्ञातक अभिमुखे उन्मिलित हैला अर्थात जीवनर अग्राभिमुखी अग्रगति को आउ केही भी अटकाई देई परिबे नहीं रोकी देई परिबे नहीं एही भली गोटे अवस्था रे चेतनार एही भली गोटे स्थिति रे अश्वपति आसी उपनीत होई छंती जेतेबेले जीवनर सकल आबद्धकारी परिसीमा विलीन हो जाउछि विलुप्त हो जाउछि अहंग्र सम्मिश्रण घटुछि तार मूल सत्ता सहित प्राणर बा जीवनर प्रतिबंधक सब हटि जाउछि एवं अज्ञातक अभिमुखे जीवन छुटी चालीछि। आज आम आलोचना को ओठी रखिबे पेज 25 लाइन 25 आसंता काली पुणी पेज 25 लाइन 26 रु आम आलोचना आरंभ करिबे।